डेमोक्रेसी की हत्या है। बीजेपी केले जब ठोके जा रहे थे किसानों को, जाट परिवार को, उस समय अपमान नहीं हुआ? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष की जो भूमिका और भूमिकाओं का अदा करना अगर अपराध है, ये अपराध लोकतंत्र में बार बार होता रहेगा। सड़कों पर आप रोक नहीं पाओगे, वो कोहराम आपको जीने नहीं देगी। पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरिबान में झांक करके देखना चाहिए। भाजपा को बेचैनी है, इंडियन गठबंधन की एकता बढ़ते जा रही है, परेशान ये हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, इंडिया गठबंधन का गेंडा नेता सब बाप बाप कर रहा है। देश की संसद से सैकड़ों संसदों को एक मुश्त निलंबित कर दिया गया है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के सर। इस प्रकार से निलंबन हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, सांसदों का जो निलंबन है वो तानाशाह है भारतीय जनता पार्टी का, और डेमोक्रेसी की हत्या है। मुझे हैरानी हुई कि राज्यसभा के सभापति जी ने मिमिक्री पर संज्ञान लिया और कहा कि जाट समुदाय का अपमान है। 77-78 वर्षीय आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति के प्रतिमूर्ति के रूप में जो समाज में चेतना जगाई है और भारतीय राजनीति के एक ऐसे धुरी बने हैं, उनको लगातार भाजपा परेशान करती है और कई संगठन में मिमिक्री करती है। यदु कुल का, पूरे राष्ट्र का, भारतवर्ष के यदु कुल का अपमान है। बार बार आप उनको टारगेट करके जो तंग और तबाह कर रहे हैं, भारतवर्ष के यदुकुल का पूरे तौर पर अपमान ही नहीं है, उन तमाम पिछड़ा दलित अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग जिन जो हास्य पे थे, जिनको जुबान दिया, उन सबों का अपमान है। बीजेपी केले जब ठोके जा रहे थे किसानों को, जाट परिवार को, उस समय अपमान नहीं हुआ? सवाल पूछेंगे सांसद, प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है विपक्ष की? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष की जो भूमिका और भूमिकाओं का अदा करना अगर अपराध है, तो ये अपराध लोकतंत्र में बार बार होता रहेगा। सदन से बाहर का रास्ता आपने दिखाया सांसदों को, सड़कों पर आप रोक नहीं पाओगे, वो कोहराम आपको जीने नहीं देगी। देश की जनता बहसी सत्ता को कभी स्वीकार नहीं की है, और लोकतंत्र जब किसी ने, किसी शासक ने कमजोर करने की, दबोचने की, पैरों तले रगड़ने की, मान मर्दन करने की कोशिश की, तो देश के मालिकों ने करारा जवाब दिया ऐसे पार्टी। भाजपा वाले लगातार जुलूस निकाल रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं कि आप लोगों ने उपराष्ट्रपति का अपमान कर दिया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का अपमान करने वाले लोग यदुकुल का, भारतवर्ष के यदुकुल का अपमान है, माफ नहीं किए जाओगे। जागृति और चेतना देने वालों की मिमिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, चूंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पिछड़ा दलित का बेटा, दलित पिछड़ा का बेटा सिर्फ पर ही पहुंचता है, तो मुट्ठी भर लोग उसको जिस नजरिए से देखते हैं, अपमानित करते हैं, इसको कैसे स्वीकार किया जाएगा? किसानों के राह में कील ठोके गए, कड़ाके ठंड में पानियों की बौछार की गई, मानो अपराधी आ रहा है। उस समय जाट समुदाय का अपमान नहीं हुआ था क्या? रमेश मिदोरी प्रकरण याद करिए सर, दानिश अली को जिस प्रकार से गाली गलौज तक किया गया भरी संसद में, और बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, बैठे हैं यहाँ पटना साहिब के सांसद, अभिदोरी क्या कर रहे थे? क्या गालियां थी सदन के अंदर में? क्या बहरा और गुंगा था आसन? क्या बिहार में लोग कहते हैं जंगल राज है, पुजारी अगर अफेयर करता है उसमें अगर हत्या उसकी जान जाती है तो जंगल राज कानून का मामला बनता है। बुद्धा कॉलोनी में दादा पोता में मर जाता है तो कानून का मामला है।
गाड़ी चढ़ जाता है, किसी की मौत हो जाती है तो कानून का मामला है। तो फिर मणिपुर और उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े जो गैंगवार में लोगों ने जिस तरह से ठोका, कानून मरता हुआ वहां दिखाई पड़ता। यह पति पत्नी के प्रेम, प्रेमिका के प्रेम, दादा पोता के, दादी पोती के, बाप बेटा के झगड़ा को कानून का राज से जुड़ करके देखने वाले भारतीय जनता पार्टी को अपने गृहान में झांक करके देखना चाहिए। एक पॉलिटिकल सवाल और ले लेते हैं सर। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में, खड़गे जी का नाम ममता बनर्जी ने आगे किया, लगातार टीवी अखबार चला रहा है कि राहुल नीतीश जी और लालू जी नाराज चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सबका सामूहिक फैसला। स्वयं खड़गे साहब ने स्पष्ट कर दिया कि पहले तो हमारा मैजिक नंबर चाहिए, प्रधानमंत्री चुन लेंगे। दलित का बेटा भी हो सकता है, पिछड़ा का बेटा भी हो सकता है, पिछड़ा का बेटा भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है। हमारे यहाँ कई चेहरे हैं जो वर्तमान जो चेहरे हैं देश के, प्रधानमंत्री से ज्यादा कवित रखने वाले, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा पार्लियामेंट्री अफसर को जानकार लोग, देश चलाने का ज्यादा अनुभव उनसे ज्यादा लोग हैं जिनके पास है। भाजपा को बेचैनी है, इंडियन गठबंधन की एकता बढ़ते जा रही है, परेशान ये हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, इंडा गठबंधन का गेंडा नेता सब बाप बाप कर रहा है। जिसे कोई फर्क जो टीवी अखबार चला रहा है, सबके कंपेन चल रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, नीतीश नाराज है तो लालू जी नाराज है, कोई नाराज नहीं है। चलिए, शक्ति सिंह यादव जी थे और जिस प्रकार से सांसदों का निलंबन हुआ है उसको लेकर उन्होंने बातें कही, और साथ में जो इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर खड़गे जी को आगे किया गया उसको लेके लगातार टीवी अखबार चला रहा है कि लालू जी नीतीश जी नाराज चल रहे हैं, इस पर भी इन्होंने बातें स्पष्ट रखी है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।